अंजी पुल है जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है और ये देश का पहला ऐसा पुल है, रेलवे पुल है, जो केबल आधारित पुल है। आर्च के दोनों हिस्से जहां मिलते हैं उसको गोल्डन ज्वाइंट बोलते हैं। वो लास्ट ईयर अगस्त में कंप्लीट हुआ, अब ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर गाड़ी दौड़ेगी। ये चिनाब ब्रिज है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहा जा रहा है और इसकी उम्र 120 साल तक की बताई जा रही है। ये पहली बार होगा जब ट्रेन भारत के सभी हिस्सों से सीधे कश्मीर तक पहुंच सकेगी। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत, आपको दिखा रहा हूं चीन के हौसले पस्त करने वाला एक भारतीय रेलवे पुल। रियासी जिले में हम हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है ये पिरामिड के आकार का शानदार खूबसूरत अंजी पुल। अंजी पुल इसलिए क्योंकि नीचे अंजी नदी बहती है और उसके तल से 331 मीटर ऊपर बनाया गया है ये खूबसूरत अंजी पुल। ये अंजी पुल इतना मजबूत है कि अगर 40 किलोग्राम टीएनटी से इस पर विस्फोट किया जाए, हमला किया जाए, तो भी इसे कोई खास नुकसान नहीं होगा और जो नुकसान होगा उसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है। ये अंजी पुल दरअसल दो पहाड़ों के भीतर टनल बनाई गई है और दो पहाड़ों के भीतर जो टनल बनाई गई है उन दोनों पहाड़ों के बीच में ये अंजी पुल बनाया गया है ताकि जब ट्रेन एक पहाड़ के टनल से निकले तो इस अंजी पुल से होते हुए बीच की खाई को पार करते हुए दूसरे पहाड़ की टनल में जा घुसे। और ये जो अंजी पुल है दरअसल यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है भारतीय रेल का, जो कि उधमपुर बारामूला उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के नाम से जाना जाता है यूएसबीआरएल। ये यूएसबीआरएल लिंक जब पूरा हो जाएगा तो आप आसानी से भारत के किसी भी हिस्से से ट्रेन के माध्यम से कश्मीर पहुंच सकते हैं। यानी अभी फिलहाल अगर आप दिल्ली से या देश के किसी हिस्से से सीधे कश्मीर ट्रेन से जाना चाहें तो अभी फिलहाल ये संभव नहीं है, लेकिन ये अंजी पुल के बन के तैयार हो जाने के बाद और पूरी जो यूएसबीआरएल परियोजना है उसके पूरा हो जाने के बाद ट्रेन सीधे श्रीनगर बारामूला तक पहुंचेगी और तब भारत कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर बारामूला तक पूरी तरीके से ट्रेन के माध्यम से एक हो जाएगा। और इसके इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद जो भारतीय सीमाएं हैं पाकिस्तान और चीन से लगती हुई वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी अधिक मजबूत हो जाएगी क्योंकि आसानी से जो जवान है वहां पहुंच सकेंगे, रसद पहुंच सकेगी और हथियार पहुंच सकेंगे। तो इसलिए ये जो अंजी पुल है ये पाकिस्तान और चीन के हौसलों को भी पस्त करने वाला है। इस तरीके से ये जो पूरी प्रोजेक्ट है वो भारत की शान है और 2023 के अंत तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और 2023 के बाद संभवतः 24 के शुरुआत में ही ये रेल परियोजना पूरी होगी, इनॉग्रेट होगी और ट्रेन यहाँ चलने लगेगी। हम हैं जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में, एक खास जगह पर मौजूद हैं। यहाँ पर चिनाब ब्रिज आपके ठीक सामने मौजूद है और हमारे साथ खुद रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। सर, चिनाब ब्रिज लगभग बन करके तैयार हो गया? चिनाब ब्रिज बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, आप देख ही रहे हैं ब्रिज को। इसके कंप्लीट जो गोल्डन जॉइंट है पिछले साल अगस्त में बना था, गोल्डन जॉइंट यानी आर्च के जहाँ पे दोनों हिस्से मिलते हैं उसको, आर्च के दोनों हिस्से जहाँ मिलते हैं उसको गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। वो लास्ट ईयर अगस्त में कम्प्लीट हुआ, अब ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसके ऊपर गाड़ी दौड़ेगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, इसकी फाउंडेशन अगर आप देखो सबसे कॉम्प्लेक्स इस तरह के ब्रिज में फाउंडेशन होती है। क्यों इतनी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स है, बहुत ही यंग माउंटेन्स है। आप जैसे यहाँ का अगर कोई भी टेरेन देखो, अगर ये पत्थर देखो तो जहाँ पे सॉलिड ब्लैक ग्रेनाइट होता है वहाँ पे फाउंडेशन करना, टनल बनाना बहुत आसान होता है।
इस तरह का जो आप देख रहे हो जियोलॉजी, अगर देखोगे इस जियोलॉजी में पत्थर बिखर जाता है, तो जब फाउंडेशन बनानी होती है इसमें बहुत ही स्पेशल डेविटाइक बार्स हैं, कई हजारों बोल्ट्स हैं और बहुत डीप अंदर लेके जाके रखा हुआ है, क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन भी एरिया, तो रिक्टर स्केल 8 पे अर्थक्वेक आए उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है। इसमें क्या खास होता है जब आप रिक्टर 8 जैसे भूकंप को रोधी बनाते हैं पुल को, क्या खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक तरह का आइसोलेशन करना यूजिंग अ मैकेनिज्म ऑफ बेयरिंग्स एंड स्पेशल बार्स विच आर कॉल्ड डेविटैक बार्स, उन सबको यूज करके फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक तरीके से जो नीचे से सीज़मिक वेव्स आई वो साइज़मिक वेव्स ऊपर ट्रांसमिट ना हो पाए वो ध्यान में रखना। ये कहा जा रहा है कि चूंकि ऐसा इलाका रहा है कि अभी भी आतंकवाद का आशंका बनी रहती है, तो अगर कोई बड़ा विस्फोट इस पर किया जाता है तो वो बेअसर रहेगा, क्या खास किया गया? उसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखी गई, स्टील के स्ट्रक्चर्स, इसमें जितनी स्टील की वेल्डिंग है अगर उसको आप कंपेयर करो तो जम्मू से दिल्ली तक का ट्रैक में जितनी वेल्डिंग होती है उससे ज़्यादा एक अकेले ब्रिज में, करीब करीब 18,000 टन के आसपास स्टील इसमें लगा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को सुपर फोर्टिफाइड किया गया है दो कारण से, एक तो जो चैलेंज वेदर के चैलेंजेस हैं, दूसरे स्पेशल यहाँ के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तीसरा इसकी लाइफ 125 साल। आप देखो 2006-07 में स्टार्ट हुआ था ये काम, शुरू में कुछ खास काम नहीं हुआ, 2016 के बाद में इस पर खास विशेष प्रोग्रेस होने चालू हुई। तो पीएम साहब ने जब शुरू में इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत क्लियरली बोला कि इसकी लाइफ बहुत एक लॉन्ग लाइफ के हिसाब से डिज़ाइन करो, तो इसकी लाइफ 125 साल के हिसाब से डिज़ाइन की गई। USBRL प्रोजेक्ट की चर्चा चीन में भी काफ़ी हो रही है, क्या हम समझें कि जब ट्रेन चलने लगेगी तो हमारी जो चीन और पाकिस्तान की सीमाएं हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था को भी एक एनहेंसमेंट मिलेगा? हाँ डेफिनेटली, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो है ही इस प्रोजेक्ट की, और सबसे बड़ी बात है कि एक कश्मीर की घाटी को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा ही एलिमेंट है। कल मैं बारामूला तक गया था, जहाँ पर भी लोगों से बात की इतनी ज़बरदस्त लोगों के मन में एक उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, इतनी खुशी है इस प्रोजेक्ट को लेके, और सब के सब मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि देखो आप 2014 से पहले 700-800 करोड़ देते थे इस प्रोजेक्ट के लिए साल के, इतना मैसिव प्रोजेक्ट, नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट, पीएम साहब ने आते ही पहले तो इस प्रोजेक्ट के एलोकेशन को डबल किया, करीब करीब 2000 करोड़ किया, उसके बाद में और बढ़ाया 4000 करोड़ किया, जैसे जैसे काम बढ़ा और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी अभी 6000 करोड़ इस प्रोजेक्ट का एनुअल एलोकेशन। कब तक ये चालू हो जाएगा और पहली ट्रेन कब तक चलेगी बारामूला तक के लिए? अंदाजन दिसंबर जनवरी का टारगेट है, दिसंबर 23 या जनवरी 24 के अंदाजन का टारगेट है। ट्राई करेंगे कि दिन रात इसकी रिव्यू मॉनिटरिंग होती है, और हर तरह के LG साहब से भी मैं कल रात में मिला था, उनसे भी सारा जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिल रहा है, तो एक तरीके से सेंटर और UT मिला के पूरा जोर लगा के इस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं। आज आप ABP न्यूज पे ये भी वंदे भारत चलाने की भी घोषणा कर रहे हैं इस लाइन? हाँ जरूर, वो तो पीएम साहब ने देश के कोने कोने को जोड़ने का संकल्प लिया है वंदे भारत से, तो इस ट्रेन पे भी, इस रूट पे भी वंदे भारत चलेगी, और कल मैं बड़गाम में जाके, श्रीनगर से आगे बड़गाम में जाके पूरा जहाँ पे वंदे भारत का डिपो बनेगा वो भी देख के आया हूँ, सारी वंदे भारत की मेंटेनेंस की फैसिलिटीज तैयार हो गई हैं, और बहुत उत्सुकता है, लोग बहुत आश्चर्य, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर भी वंदे भारत की चर्चा हो रही है आज। तो कहाँ तक वंदे भारत चलाने की अभी प्लानिंग? रूट्स तय होंगे लेकिन श्रीनगर तक जाएगी वंदे भारत। थैंक यू सर। तो इस तरीके से एक नई घोषणा भी कर दी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, यहाँ पे जो बारामूला तक ट्रेन जाएगी उसमें संभवतः दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की भी घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। बैठा हूँ एक ऐसी ट्रॉली में जिस ट्रॉली से चिनाब ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इस समय हम दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर बैठे हैं, और इस ब्रिज पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आए हुए हैं,
और यहाँ इस ट्रॉली पर बैठ करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे, सर क्या एक्सपीरियंस है यहाँ आने के बाद? चलो सेफ्टी का ध्यान रखो, आगे चलते हैं। तो इस समय जो रेल मंत्री हैं वो उस ट्रॉली पर बैठे हुए हैं जिस पर अभी मैं बैठ करके आपको इस ट्रॉली के बारे में बता रहा था, और ये हम आपको ट्रैक दिखा रहे हैं। इसमें कई ट्रॉलियां हैं, आगे भी ट्रॉली लगी हुई है। इन ट्रॉलियों से ट्रैक का इंस्पेक्शन होता है। दरअसल दुनिया के सबसे ऊंचे इस चिनाब ब्रिज में किसी भी तरीके की कोई खामी न हो, इसके लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं, जिनमें से एक ये इंस्पेक्शन का काम है। चिनाब ब्रिज बन करके लगभग तैयार है, और रेल मंत्री से जो हमारी बात हुई, रेल मंत्री ने बताया कि जनवरी 2024 तक जो ये पूरी रेल लाइन परियोजना है ये पूरी हो जाएगी यूएसबीआरएल की, और इस पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेल मंत्री इस समय इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और इस इंस्पेक्शन का मतलब ही है कि ये जो रेल ट्रैक है ये बन करके लगभग तैयार है, और इसी वजह से रेल मंत्री खुद इसका इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं। और जो पहली ट्रेन चलेगी यूएसबीआरएल पर और इस चिनाब ब्रिज पर, वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकती है। रेल मंत्री ने खुद बताया कि जनवरी 2024 तक ये ट्रेन चलने लगेगी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की, और वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। देश के लिए स्ट्रेटजिक वैल्यू वाले चिनाब ब्रिज पर हम खड़े हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ हैं। सर, आज आपने इंस्पेक्शन किया, क्या कुछ आपने देखा? ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा आपने देखा टेक्निकल चैलेंजेस तो बहुत थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये ब्रिज 2005-06 में चालू हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। 2014 में जैसे ही देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, तुरंत उन्होंने इस प्रोजेक्ट का रिव्यू किया, कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए। पीएम साहब की डिसाइसिव लीडरशिप के कारण, इंजीनियर्स के टैलेंट के कारण आज इतनी प्रोग्रेस आप देख पा रहे हैं, और आगामी दिसंबर जनवरी तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होना चाहिए। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि वंदे भारत भी श्रीनगर तक आएगी। कटरा और बनिहाल के बीच चिनाब ब्रिज बनाने के लिए रेलवे ने 111 किलोमीटर की ये सड़क बनाई है। पहाड़ों को काट करके ये सड़क रेलवे ने बनाई है ताकि वो चिनाब ब्रिज को बना सके। हम आपको वो दुर्गम इलाका दिखा रहे हैं जहां पर रेलवे का काम चल रहा है। इन पहाड़ों को काट करके रेलवे ने ये सड़क बनाई है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि चिनाब ब्रिज जो बनकर के तैयार है, आपके ठीक सामने ये चिनाब ब्रिज है। और सबसे पहले इस पूरे इलाके को देखिए कि कितना दुर्गम इलाका ये है, और पहाड़ों के बीच से नदी के ऊपर चिनाब ब्रिज बनाया गया है। चिनाब ब्रिज आपके ठीक सामने, ये जो चिनाब ब्रिज है ये बन करके लगभग तैयार है। अब इसके ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाए जाने का काम चल रहा है, और सामने आप देख सकते हैं जो पीर पंजाल की ये पहाड़ियां हैं, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, और इस तरीके का ये जो मौसम है, मार्च के महीने में ही इस समय बर्फ पड़ी हुई है, तो जो जाड़े का इलाका होता है उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का जो दुर्गम इलाका ये है, यहाँ पर मौसम कैसा रहता होगा। करीब 260 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलती हैं, और हमेशा यहाँ पर जो काम करने की स्थितियाँ हैं वो काफ़ी कठिन रहती हैं, और उसके बावजूद दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है ये, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है। और इसमें जो काम करने की स्थितियां हैं वो हमेशा ही बहुत कठिन रहती हैं। हम आपको बता दें कि जो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसका ये हिस्सा है चिनाब ब्रिज, और यूएसबीआरएल की जो प्रोजेक्ट है 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2002 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। ये रेल लाइन हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के भीतर 119 किलोमीटर की कुल 38 टनल से होकर के गुजरेगी। इसमें सबसे लंबी जो 12.75 किलोमीटर की सुरंग है उसका नाम सुंबर
अरपिंचला T49 है और दूसरी सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर की सुरंग का नाम पीर पंजाल T80 है, यानी 38 टनल के भीतर से होकर के यहाँ पर रेलवे लाइन गुजरेगी। और अंजी पुल जो कि देश का पहला केबल आधारित पुल है वो बनाया गया है, और उसके बाद ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है जो कि रियासी और बनिहाल के बीच में बनाया गया है। जो सामने की ओर का इलाका आप देख रहे हैं वो बनिहाल का इलाका है, और इस इलाके में जो ट्रेन है वो जब गुजरेगी तो 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पुल के ऊपर से गुजर सकेगी। क्योंकि हवाएं काफ़ी तेज होती है यहाँ पर, तो 260 किलोमीटर की रफ्तार की हवाओं को सहने योग्य बनाया गया है इस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को। और जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर की होगी, लेकिन अगर हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो जो ट्रेन है वो कुछ धीमे गुजरेगी। USBRL परियोजना में जो 931 पुल भी शामिल हैं और जिनकी लंबाई कुल लंबाई 13 किलोमीटर है, यानी जो खाली अगर इस तरीके के पुल जैसे कि आप चिनाब ब्रिज देख रहे हैं, चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और इस तरीके के जो छोटे पुल हैं उनको अगर मिला लें तो 13 किलोमीटर की कुल लंबाई है। क्योंकि ज़्यादातर जो करीब 90% हिस्सा है USBRL का वो टनल से होकर के गुजरेगा, और ऐसे कुछ पुल हैं जो कि ट्रेन को ओपन एरिया में लेकर के आएंगे। और इस तरीके से जो कुल मिलाकर के ये चिनाब ब्रिज बनाया गया है इस USBRL की प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, इस पूरे USBRL का जो प्रोजेक्ट है ये जब पूरा हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर का, खासतौर से जो कश्मीर का इलाका है जहां अभी तक ट्रेनें नहीं जा सकती हैं डायरेक्ट, वो जाने लगेंगी। यानी कश्मीर जो भारत का मुख्य हिस्सा है उससे मिल जाएगा, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन से सफ़र आसान हो जाएगा। और पहली बार ऐसा होगा जब ट्रेन से जो आम यात्री हैं वो कश्मीर तक जा सकेंगे। ये पहली बार होगा जब ट्रेन भारत के सभी हिस्सों से सीधे कश्मीर तक पहुंच सकेगी। हम इस समय जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में हैं। ये पूरा इलाका आप देखिए किस तरीके का दुर्गम इलाका है जहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। और इस जगह पर ये सामने चिनाब ब्रिज आप देख रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और जो पेरिस का एफिल टावर है उससे भी ये ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ये पूरा जो इलाका है ये आतंकवाद से प्रभावित रहा है, और हमेशा ही इसमें इस तरीके के जो भारतीय बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन पर आतंकवादी हमले की गुंजाइश होती है। इसलिए जो ये चिनाब ब्रिज आप देख रहे हैं इसको इस तरीके से बनाया गया है कि इस पर अगर कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, बड़ा विस्फोट होता है, तो इससे भी ये सुरक्षित रहे, और अगर जो नुकसान होगा वो थोड़ा बहुत ही नुकसान इस पर होगा और उसे भी जल्द ही रिपेयर किया जा सकता है। और आपको बता दें कि ये जो इलाका है इससे भारत की जो सीमाएं हैं पाकिस्तान और चीन की वो पास हैं। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, USBRL प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है चिनाब ब्रिज, इसके पूरा हो जाने के बाद जो भारतीय फौजें हैं वो आसानी से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर पहुंच सकेंगी, रसद पहुंच सकेगी, हथियार पहुंच सकेंगे। लिहाजा इस रेलवे के इस पुल से खास तौर से और इस USBRL की जो प्रोजेक्ट है इससे जो दुश्मन हैं हमारे उनके भी हौसले पस्त हैं, खास तौर से चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को के बन जाने के बाद से
चीन के हौसले पस्त हैं, क्योंकि जो चिनाब ब्रिज और अंजीव ब्रिज बनकर के तैयार हुआ है उसका सीधा सीधा असर भारतीय सीमाओं पर हमारी सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करने में मिलेगा। और इसी यही वजह है कि इस चिनाब ब्रिज का जो चिनाब ब्रिज के जो चर्चे हैं वो खासतौर से चीन में काफी ज्यादा हैं, क्योंकि